ग्रेजुएशन समारोह हर छात्र के जीवन में एक यादगार पल होता है। एसएसटी महाविद्यालय ने इस पल को और भी शानदार बना दिया। कॉलेज सभागार में आयोजित समारोह में उद्योग समूह से आमंत्रित मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर इस समारोह को प्रकाशमान किया गया। इस सुनहरे मौके पर नमन एंजल्स इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक दिनेश इसरानी, क्यूब पार्टनर्स के संस्थापक डिंपल भानुशाली और प्रशांत मस्तकर मौजूद थे। इस अवसर पर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करते हुए दिनेश इसरानी जी ने विद्यार्थियों को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया तथा स्टार्टअप शुरू करने के लिए आवश्यक पहलुओं की जानकारी दी। इसी के साथ एसएसटी कॉलेज के सिविक एसएसटीएन इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर के छात्रों में उद्यमता कौशल विकसित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों की भी सराहना की। फैंटास्टिक, एक ही वर्ड है, फैंटास्टिक। बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ये सारे स्टूडेंट्स का एंथुजियाज्म देख के। दे आर सो हैप्पी टू बी ग्रेजुएट्स। वी विश देम ऑल द बेस्ट एंड सक्सेस। आज से उनका प्रोफेशनल लाइफ शुरू होता है, फॉर विच आई रियली विश ऑल ऑफ देम बेस्ट ऑफ लक। ऑन द फेस ऑफ इट, जैसे उनका शक्ल दिख रहा है, दे आर हैविंग मिक्स्ड रिएक्शंस। कॉलेज से अब बाहर जा रहे हैं, दे विल रियली मिस एसएसटी कॉलेज। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट पुरस्वानी सर फॉर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब इन दिस इंस्टीट्यूट। डिंपल भानुशाली ने छात्रों को स्टार्टअप करने के लिए अपने अनुभव के बारे में बताते हुए छात्रों से उद्यमी बनने और रोजगार पैदा करने की अपील की। आज की यूथ के लिए मेरा सजेशन है कि डरना नहीं है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, पूरा कॉन्फिडेंस रखना है खुद में। एंड आपके पास इतने अच्छे अच्छे गाइडेंस करने वाले सर, प्रिंसिपल सर इतना इंकरेज करते हैं, हर एक फील्ड को इतना इंकरेज कर रहे हो वो। एंड आपके पास इसरानी सर है, अब तो आपको कुछ चीज के लिए नहीं डरना है। आपको जो कॉन्टेक्ट चाहिए, जो चाहिए, रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे इस दुनिया में। बस आपको अपने ड्रीम को फॉलो करना है एंड पूरे पैशन से फॉलो करना है। एजुकेशन तो डेफिनेटली बहुत मायने रखती है, आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो आपका एजुकेशन से आता है। एंड मोर ओवर, आप जब कॉलेज में आते हो तो आपका एजुकेशन के साथ साथ आपको आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल, आपके साथ में जो दोस्त है उनके साथ जो आपके कनेक्ट बनते हैं वो आपको आज नहीं पता चलेगा, पर आपको करियर में आगे बहुत ज्यादा काम आते हैं। कॉलेज के संस्थापक प्राचार्य डॉक्टर पुरस्वानी ने छात्रों को उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पूरा करने के लिए बधाई दी और जानकारी दी कि एसएसटी कॉलेज नमन एंजल्स इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से उन छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेंगे जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। जितने बच्चे आज ग्रेजुएट होकर बाहर निकल रहे हैं, हमको इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर देयर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एज वेल एज टीचर्स ऑल्सो। आज इनका एजुकेशन जर्नी पूरा हो रहा है और ये अभी एक सक्सेसफुल ग्रेजुएट्स होके आज ओपन समाज में जा रहे हैं। वी विश देम ऑल द बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर ड्रीम्स। एंड ये एक अच्छे समाज के लिए काम करेंगे, ये भी हम लोग उनको एक शुभेच्छा देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, द कॉलेज एजुकेशन हैज एंडेड, लेकिन लाइफ का एक्चुअल लर्निंग उनका आज से चालू हो गया है, क्योंकि एक माइलस्टोन पूरा होने के बाद नाउ दे आर टू ट्राई टू रीच अनदर माइलस्टोन। और इनके लिए हम लोगों ने जो उनको स्टार्टअप और इंक्यूबेशन का जो हम लोगों ने उनको आज एक रास्ता दिखाया है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो ये ग्रेजुएट बैच बाहर निकल रही है, कमिंग फ्यूचर में हम इनको ग्रेजुएट बैच नहीं बुलाएंगे, इनको हम लोग हमारे ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर्स बुलाएंगे, जो नॉट ओनली विल बी स्ट्राइविंग फॉर देयर ओन सर्वाइवल एंड सक्सेस, बट दे विल सपोर्ट द नीडी पर्सन्स, द पीपल फ्रॉम द सोसाइटी टू कम अप by offering them various employment opportunities। इस अवसर पर ग्रेजुएशन समारोह की पोशाक पहने विद्यार्थियों ने गणमान्य व्यक्तियों से अपनी डिग्रियां स्वीकार कर अपनी खुशी जाहिर की। एसएसटी कॉलेज मध्ये मी जेव्हा FY मध्ये आलेली तेव्हा कोविड मध्ये आली होती,
तर तेव्हा फक्त ड्रामानॉमिक्स हे डिपार्टमेंट चालू होतं, तर मी तिथे रिहर्सल वगैरे करायची. मग त्याच्यानंतर म्हणजे मी हळूहळू ड्रामानॉमिक्सची मेंबर झाली. मग मी खूप सारे कॉम्पिटिशन्स केले. मग एस एस टी कॉलेजने मला ड्रामानॉमिक्स ह्या डिपार्टमेंट मध्ये मेंबर म्हणू दिलं, किंवा मला ऍक्टिंग ही एस एस टीने शिकवली असंच मी मानेल. आणि थँक्यू मला हर्षल सरांना बोलायचे, आमच्या प्रिन्सिपल सरांना बोलायचे. आणि एस एस टी कॉलेज हे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये पोरांना पुढे घेऊन जायला मदत करतं.